हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय नर्चर मैं हूं कृष्णा कैसे हैं आप सब लोग मस्त बढ़िया चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ह्यूमन एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर टेन स्केलेटल मसल्स का लेक्चर नंबर टू उम्मीद है कि लेक्चर नंबर वन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा समझ लिया होगा और जिन बच्चों ने अगर वो नहीं देखा है या जिन बच्चों ने देख लिया है और पहले लेक्चर का लास्ट टॉपिक मायोफाइब्रिल्स अगर वो क्लियर नहीं है या भूल चुके हो तो उसको जरूर अभी रिपीट करें इस लेक्चर को शुरू करने से पहले क्योंकि मायोफाइब्रिल्स अगर दिमाग में होगा तो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन मसल्स वर्क कैसे करते हैं वो बहुत ईजी समझ में आएगा क्योंकि मायोफाइब्रिल्स के सारे पार्ट्स दिमाग में सेट होने चाहिए तो ये समझना बड़ा ही आसान हो जाता है ठीक है तो इस बात को ध्यान रखेंगे अब स्टार्ट करें तो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन में क्या कह रहा है तो हम यहां पे शुरुआत करेंगे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या होती है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन वो प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट करने में मसल्स को श्रिंक करने में हेल्प करती हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आता है हमारे पास मायोफाइब्रिल्स आर बिल्ट फ्रॉम थ्री काइंड ऑफ प्रोटीन जो मायोफाइब्रिल्स है वो तीन प्रकार के प्रोटीन से बना होता है तो मैंने यहां लिख भी दिया है रिवाइज मायोफाइब्रिल टॉपिक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे समझना चाहते हो तो माय फाइब्रिल्स को फिर से रिवाइज करें रिपीट करें ठीक है ना खैर वो तीन जो प्रोटीन्स की बात हो रही है यहां पे जो हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की खैर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन को अलग से पढ़ेंगे फिलहाल बात यह है कि हमारे पास जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं वो तीन तरीके की प्रोटीन से बना होता है उसमें एक होता है ध्यान रखना हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पढ़ रहे हैं फिर उसके अंदर एक बात बोली गई है कि माओफेब्रिक्स तीन प्रकार की प्रोटीन से बना होता है उसके अंदर एक होती है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एक होती है रेगुलेटरी प्रोटीन और एक होती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रोटीन ये जो है इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसीलिए हेडिंग भी हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है कंफ्यूज मत करना तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन वो होती है विच जनरेट फोर्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन हम किसी चीज को वजन से ऐसे उठाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये ताकत जो लगवाती है ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है दो टाइप की होती है नाम सुन रखा होगा एक्टिन और मायोसिन आई बैंड ए बैंड याद आया जो हम लोगों ने पढ़ा था माओफेब्रिक्स में इसीलिए कहा था बेटा अगर ये भूल गए हो तो इसको पक्का ध्यान से रिवाइज करो ठीक है ना तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन हो गया फिर आती है रेगुलेटरी प्रोटीन ये क्या होती है विच हेल्प स्विच द कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस ऑन एंड ऑफ ठीक है यानी कि जो कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस यानी कि जो हमने कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया है वो कब स्टार्ट होगा कब बंद होगा कैसे होगा उसको ऑन ऑफ करने के लिए भी एक प्रोटीन होती है पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन दो होती है ठीक है इसके एग्जाम्पल में और फिर एक होती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन स्ट्रक्चरल मतलब जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है यानी कि जो ये मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर बना रहे टूटे फूटे नहीं जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है इसके लिए हमारी बोन्स काम करती हैं ठीक है तो स्ट्रक्चर प्रोटीन विच कीप द थिक एंड थिन फिल्मेंट इन प्रॉपर अलाइनमेंट यानी कि हमने जो पढ़ा था ये ये जो जो थिक है है और जो थिन प्रॉपर वहीं के वहीं जमे हुए हैं बने रहे हिले डुले नहीं तो उनको जो मेंटेन करता है उसको स्ट्रक्चर प्रोटीन कहते हैं ठीक है जिसकी वजह से इसके अंदर इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी आती है प्रॉपर्टी एंड लिंक द मायोफाइब्रिस टू सार्कोलेमा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यही जो प्रोटीन होती है जो सार्कोलेमा ठीक है सार्कोलेमा क्या होता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है और जो एक्स्ट्रा मैट्रिक्स होती है वहां से इसको बांध करके रखती है ठीक है डायरेक्ट जो बच्चे इसको देख रहे होंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे सार्कोलेमा क्या है एक्स्ट्रा मैट्रिक्स क्या है तो फिर कह रहा हूं इससे पहले वाला लेक्चर जरूर पढ़ लें तो लेक्चर बहुत इजीली समझ में आएगा ठीक है अब फिर यहां पर बात आती है कि यहां पे कॉन्ट्रेक्टल प्रोटीन को हमने स्टार्ट कर रखा है क्योंकि हमें फिजियोलॉजी समझनी है और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के अंदर इसीलिए मैंने स्पेशली वाला डायग्राम दिया और फिर कहा है वापस से रिवाइज मायोफाइब्रिल्स अगर रिवाइज नहीं किया है बेटा तो पक्का रिवाइज कर ले अदरवाइज दिक्कत आएगी एच जोन आई जोन इन्हीं का जिक्र होने वाला है ठीक है तो मैं यहां रिपीट नहीं कर रहा हूं वहां पूरा डिटेल में बता चुका हूं मैं यहां से डायग्राम उसका दे दिया मैंने अब द टू कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इन मसल्स आर मायोसिन एंड एक्टिन सबने नाम सुना होगा

ये अभी हम देखेंगे कि जो ऊपर ऐसे उठे हुए हैं ना ये इस तरीके से ऊपर जो वहां पर थिन फिलामेंट है इसको ऐसे खींच करके पास लेके आएंगे तो मोटर काम करती है ठीक है तो इस तरीके से ये वर्क करेगा तो जो ये मेरे पास एच जोन एच डिस्क थी यानी कि पूरा जो मेरा फंक्शनल यूनिट था सार्कोमेयर डिस्कस कर चुका हूं यह लेंथ इतनी है खींच करके ऐसे आ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा कौन काम कर रहे हैं ये ये इसे चिपक चिपक के ऐसे इसको पास 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 खींचा करेंगे ठीक है ये पूरी प्रोसेस अभी हम देखेंगे डिटेल में तो कह रहा है थिक फिलामेंट होता है जो कि एक मोटर की तरह वर्क करती है मोटर प्रोटीन पुल वेरियस सेलुलर स्ट्रक्चर टू अचीव मूवमेंट ये जो मोटर प्रोटीन है इसी का नाम क्या बोल दिया मोटर प्रोटीन आपका बन गया एमसीक्यू कि भैया बताओ स्केलेटल मसल्स के अंदर मोटर प्रोटीन कौन सी होती है मायोसिन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में एक एग्जाम्पल मायोसिन ठीक है ना थिक बैंड में कौन सी प्रोटीन होती है मायोसिन कई सारे क्वेश्चन बनते हैं

ठीक है ये चीज समझेंगे अभी हम लोग कौन काम कर रहा है तो अल्टीमेटली देख लो मैं जो बोल रहा हूं मेरी जीव जो हिल रही है मेरी उंगलियां जो हिल रही है मैं जो ऐसे हाथ हिला रहा हूं यहां पर मेरी जो ये वाली प्रोटीन है मसल्स को खींचने का काम कर रही है ताकत यहां जनरेट होती है क्लियर बाते है बातें आ जाओ इन स्कैल्टल मसल अबाउट थ्री हंड्रेड मॉलिक्यूल ऑफ मायोसिन फॉर्म अ सिंगल थिक फिलामेंट यानी कि 300 हंड्रेड जैसे की एक दो तीन चार से काउंट करेंगे ना जो थिक फिलामेंट बनता है लगभग कितनों से बना है 300 सौ मॉलिक्यूल से बना है और एक के अंदर दो होते हैं एक के अंदर दो मायोसिन हेड पाए जाते हैं ये बात समझ में आ रही है ईच मायोसिन मॉलिक्यूल इज शेप अ टू गोल्फ क्लब हर एक की शेप कैसी होती है कि दो जो गोल्फ क्लब जो गोल्फ स्टिक होती है ना वो आगे ऐसे करके उनकी पीछे की स्टिक को ऐसे लपेट दिया गया हो बात समझ में आ गई मायोसिन ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद भी रखना तो मायोसिन का शेप ऑलमोस्ट समझ में आ गया ये मायोसिन का हेड होता है मायोसिन के अंदर जो ऊपर वाली साइट होती है उसे हम कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट साइट ठीक है है नीचे वाली जो होती एटीपी बाइंडिंग साइट होता क्या है ऊपर एटीपी लिख दिया एटीपी यहां पर आके बंधती है फिर बता दू एटीपी यहां पर आके बंधेगा एटीपी को तोड़ेगा एटीपी को तोड़ करके क्या निकलता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ढेर सारी एनर्जी इस एनर्जी की हेल्प से ये जाकर के ऊपर जाकर के जो ये थिन फिलामेंट होता है उससे जाकर चिपक जाती है और फिर थिन फिलामेंट को इधर से ये इधर से खींचेंगे ऐसे ठीक है अभी रहे हैं डिटेल में आगे आएंगे समझाता जा रहा हूं बार बार ताकि अच्छे से क्लियर होता जाए द मायोसिन टेल जो मायोसिन की टेल है ये ठीक है ट्विस्टेड गोल्फ क्लब हैंडल्स पॉइंट टूवर्ड द एम लाइन अब लाइन क्या है ये रही हमारे पास लाइन दिस इज एम लाइन ये किस तरफ होती हैं एम लाइन की तरफ होती हैं तो मैंने कहा था माया स्ट्रक्चर याद होगा तो अच्छे से कर पाओगे क्योंकि मायोसिन और एक्टिन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं कि इनको एक्सप्लेन कर दो बात समझ में आ रही है इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं कि इनको एक्सप्लेन करो तो आप लोगों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए ठीक है द टू प्रोजेक्शन ऑफ ईच मायोसिन मॉलिक्यूल प्रोजेक्शन मतलब ये जो इनके उभार निकले हुए हैं ठीक है गोल्फ क्लब हेड की बात हो रही है आर मायोसिन हेड्स इनको हम लोग क्या कहते हैं मायोसिन का सर कह देते हैं ईच मायोसिन हेड हैंड है, है बाइंडिंग साइट का मतलब जहां चीजों को बांध सकता है एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट जहां पे ऊपर मैंने बताया एक्टिन एक्टिन जो थिन फिलामेंट से चिपकने के लिए होता है और दूसरी होती है एटीपी बाइंडिंग साइट जहां पे एटीपी को चिपका करके तोड़ करके एनर्जी प्राप्त करता है द एटीपी बाइंडिंग साइट ऑल्सो फंक्शन एज एटीपीएज ध्यान देना जहां पर एटीपी चिपकता है वो जो पार्ट है वो ए एंजाइम की तरह काम करता है यानी कि एटीपी को तोड़ने वाले एंजाइम की तरह काम करता है ये वाला जो हिस्सा है वो ए एंजाइम की तरह काम करता है एन एंजाइम डेट हाइड्रोलाइजिस एटीपी जो एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा तोड़ेगा टू जनरेट एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन जिससे कि मसल कॉन्ट्रेक्ट करने के लिए जो एनर्जी जनरेट होती है वो जनरेट हो सके बात समझ में आ रही है तो कितने पॉइंट देने हैं डायग्राम यहां है? पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर डायग्राम आपको बनाना ही है तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे ठीक है और मायोसिन के बारे में जब पॉइंट्स लिखने को आएंगे तो आप ये पॉइंट यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे इससे ज्यादा पॉइंट्स की हमें जरूरत नहीं है फिर मैं बात करूं एक्टिन की तो देखो यहां पर जो थिन फिलामेंट आप देख रहे हैं ये देखो गोल 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 टाइप के मायोसिन पढ़ते थिन फिलामेंट आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में कुछ हमको ऐसे दिखाई पड़ते हैं रियल में तो होता क्या देखो ये एक्टिन है बहुत सारे एक्टिन मॉलिक्यूल बन करके एक एक्टिन मॉलिक्यूल जब बहुत सारे बन जाएंगे तो फिलामेंट यानी कि फिल्मेंटा बन गया ठीक है है ना अब होता क्या एक्टिन के ऊपर एक जगह होती है ठीक है ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हो इसे हम कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट यानी कि जो मैं ये बता रहा था नीचे से आकर के जो मायोसिन आके चिपकता है ना ये एक, एक्टिव फिलामेंट के ऊपर तो एक जगह होती है उस जगह को हम बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट ये जगह के ऊपर देख रहे लो धागा सा जा रहा है यह जगह नॉर्मल जब नॉर्मल हम लोग रहते हैं रिलैक्स मसल्स होती हैं तो यह धागा नुमा जो चीज है जिसको हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं क्या कहते हैं ट्रोपोमायसिन प्रोटीन ये इस जगह को कवर करके रखती है यानी कि मायोसिन बाइंडिंग साइट जहां पे आगे चिपकता है ताकि एक्टिन जो मायोसिन है वो आके बेवजह आके ना चिपक जाए और काम ना करना पड़े जैसे कि दौरे वगैरह पड़ते हैं या हाथ पैर ऐंठ जाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ये जगह हट जाती है नीचे से मायोसिन आगे चिपक जाता है और खिंचाव शुरू कर देता है तो हाथ पैर अपने आप हमारे ऐठने लगते हैं अब ये जो धागा है नॉर्मल हम सबको पता है नॉर्मल अगर धागा ऐसा रहेगा तो हट जाएगा तो मान लो एक धागा ऊपर रखा तो उसको भी जुड़ा रहे उसके लिए एक और ऊपर से प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन ये आकर के लॉक कर देती है जगह जगह पर जिससे कि जो हमारे पास ट्रोपोमायोसिन की लेयर है वो हट ना जाए तो ट्रोपोनिन आकर के उसको लॉक कर देती है ठीक है सारा खेल यही है कि कब ये लॉक हटेगा ये लॉक हटेगा तो ट्रिपोमाइसिन हट जाएंगे ट्रिपोमाइसिन हट जाएंगे तो ये जगह खाली हो जाएगी नीचे से आके मायोसिन चिपकेगा और खींचेगा यही सारा फिजियोलॉजी है जो कि अभी हम समझेंगे अगर स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो इसमें लिखना क्या क्या है द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द थिन फिलाेंट इज प्रोटीन एक्टिन थिन फिलामेंट का मेन प्रोटीन कौन सा होता है एक्टिन और पहले ही बता चुका हूं ये आपका सब क्या है एमसीक्यू है इंडिविजुअल एक्टिन मॉलिक्यूल एक जो पूरा पूरा वाली लाइन नहीं ये वाली लाइन गोले गोले जो है दैट इज ट्विस्टेड इन टू हेलिक्स जो आपस में ट्विस्ट होकर के हेलिक्स जैसा बन जाता है ना ऐसा ट्विस्ट होकर के क्लियर है बातें यहां तक स्ट्रक्चर क्लियर है नाउ ऑन ईच एक्टिन मॉलिक्यूल इज मायोसिन बाइंडिंग साइट हरेक एक्टिन मॉलिक्यूल पर एक मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ठीक है वेयर आर मायोसिन हेड कैन अटैच जहां पर हेड मायोसिन हेड कौन सा था ये वाला मायोसिन हेड था जो आकर के उस पर जुड़ेगा आकर के क्लियर स्मॉलर अमाउंट ऑफ टू रेगुलेटरी प्रोटीन छोटी मात्रा में दो रेगुलेटरी प्रोटीन ये आगे रेगुलेटरी प्रोटीन के नाम ट्रोपोमा और ट्रोपोनिन जिनका बताया ठीक है आर आल्सो पार्ट ऑफ द थिन थिन फिलामेंट ये भी फिलामेंट के पार्ट होते हैं ना जो ट्रोपोमा है ऐसे लेयर बना के रहेगा और ट्रोपोनिन जगह, जगह जगह पे इसको लॉक कर देगा ओके इन रिलैक्स्ड मसल्स जब मसल्स हमारी रिलैक्स है बहुत ध्यान से इस पॉइंट को सुनेंगे मायोसिन इज ब्लॉक्ड फ्रॉम बाइंडिंग टू एक्टिन मायोसिन ब्लॉक कर दी जाती है कि वो एक्टिन से ना चिपके चिपकेगा तो शुरू कर देगा बिकॉज स्ट्रैंड होते हैं ट्रोपोम के ये जो का धागा है ये ठीक है है की जो लेयर है, ये क्या कर रही है कवर द मायोसिन ये मायोसिन को कवर करती है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को ऑन एक्टिन एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको कवर करके कर रखती है द द्रोपोमाइसिन स्टैंड इन टर्न आर जो हेल्थिन की जो धागा है ये बदले में किसके द्वारा लॉक रहती है ये बदले में जो हमारे पास ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है जगह जगह पे आकर के उसके द्वारा क्या कर दी जाती है ये लॉक रखी जाती है ठीक है ठीक क्लियर है यहां तक अब कहानी समझना व्हेन कैल्शियम आयंस बाइंड टू ट्रोपोनिन होता क्या जब मसल्स वर्क करती हैं तो हम सबको पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर भर भर के कैल्शियम भरा हुआ है वो वहाँ से रिलीज कर दिया जाता है पढ़ेंगे प्रोसेस में अभी वो जब रिलीज होता है तो वो ट्रोपोनिन से आगे चिपक जाता है जैसे ट्रोपोनिन से चिपकेगा ट्रोपोनिन अंडरगोस कन्फॉर्मेशनल चेंज ट्रोपोनिन का शेप बदल जाता है जब वो शेप बदल जाता है तो वो वहाँ पर फिर अब रह नहीं पाता है। मतलब जैसे ऐसा है तो ऐसा चिपका हुआ इसका शेप बदल जाएगा तो यहां पे फिट नहीं आएगा ये फिर ये हट जाता है यहां से जैसे कैल्शियम चिपकेगा इसका शेप बदल जाएगा तो यहां पे फिट नहीं हो पाएगा तो हट जाएगा यहां से क्लियर ठीक है तो कन्फर्मेशनल चेंज ये वर्ड याद रखेंगे एमसीक्यू के लिए कि भैया कैल्शियम ऐसा क्या कर देता है कि वो हट जाता है आ, चेंज इन शेप उसके शेप में चेंज आ जाता है ध्यान रखेंगे इस चीज को दिस चेंज मूव्स ट्रोपोमाइसिन अवे इसकी इस चेंज की वजह से क्योंकि ट्रोपोनीन हट गया तो ट्रोपोमाइसिन भी हट जाता है मायोसिन बाइंडिंग साइट से जो कि एक्टिन पर है एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन सबक्वेंटली बिगिन उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है ठीक है सबसे सब्स बिगिन एज मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन कैसे ही मायोसिन एक्टिन से बाइंड होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है क्लियर नाउ यहां तक अगर अगर समझ में आ गई होंगी तो उम्मीद है मायोसिन अच्छे से कवर हो गया है एक्टिन अच्छे से कवर हो गया है अगर नहीं अगर समझ में आ गया है बट थोड़ा सा और समझना है तो यहां वीडियो को पॉज करके वापस से एक्टिन और मायोसिन को देखें ठीक है जब ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब तो आपको फिजियोलॉजी यू यू, यू 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 याद हो जाएगी रियलिटी <laughs> है ये देखो ये जो चैप्टर है ना अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसके मसाला है फिर आगे नर्वस सिस्टम है यहां पर सारा खेल शब्दों का है यहां पे इतने ज्यादा टर्म्स हैं बच्चा उससे घबरा जाता है तो डरने का नहीं है ना डोंट फियर माइंड नर्चर इज हेयर ओके चलो तो फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन मसल कॉन्ट्रेक्शन की फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म मोटर यूनिट जो शायद मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मोटर यूनिट क्या होता है तो देखो यहां पर क्या है कि अपने पास क्या है स्पाइनल कॉर्ड होता है यहां से न्यूरॉन्स आते हैं तो ये देखो हम देख पा रहे हैं ये मेरे पास क्या है मसल्स फाइबर यानी कि बहुत ध्यान से समझना इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं तुम लोगों से जो न्यूरॉन है वो एक हर एक मसल सेल के लिए एक अलग न्यूरॉन है या एक न्यूरॉन आकर के डिवाइड हो जाता है और कई सारी मसल सेल्स को सिग्नल देता है जाकर के तो ये जो एक न्यूरॉन कई सारी मसल सेल्स को सिग्नल दे रहा है यही क्या बन जाती है मोटर यूनिट तो मोटर यूनिट वन एक दो ये ब्रांचिंग हो गई मोटर यूनिट टू ठीक है ना तो बस वही है इन अ मोटर यूनिट द मोटर न्यूरॉन न्यूरॉन दो टाइप के होते हैं सेंसरी एक मोटर सेंसरी सिग्नल लेके जाता है और मोटर सिग्नल लेकर के आता है ठीक है ब्रांचेस टू फॉर्म न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो ये ब्रांचिंग कर लेता है और एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना लेता है मसल्स के साथ विद सेवरल मसल फाइबर अ मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर इट सप्लाई कॉल्ड मोटर यूनिट ठीक है ना तो जो मोटर न्यूरॉन है और वो जितनी मसल फाइबर को सप्लाई कर रहा है वो सब मिल करके मोटर यूनिट कहलाती है देखो यही वजह होती है कि अगर एक दो मोटर यूनिट खराब होती है तो कुछ हल्की हल्की प्रॉब्लम्स आती हैं ठीक है ना ये यहां सिग्नल जाता है सिग्नल जाने के बाद मसल फाइबर्स के अंदर क्या पाया जाता है मायोफाइब्रिल्स वहां पे न्यूरॉन सिग्नल चला जाता है और कॉन्ट्रेक्शन फिर हमारा स्टार्ट होता है तो ये जो मोटर यूनिट के माध्यम से यहां सिग्नल गया मैसेज पहुंच गया कि कॉन्ट्रेक्शन करना है तो देखो होता क्या क्या है अब हम उसको देखते हैं ठीक है अब उसको देखने से पहले हम एक चीज और बता दू तुम लोगों को उसको तो हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि होता क्या है ठीक है तो एक दिमाग में पिक्चर सेट रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो देखो होता क्या है हम यहां पर समझ पा रहे हैं ये देखो ये हमारे पास एक लाइन ये दूसरी लाइन और ये जेड डिस्क जेड डिस्क जेड डिस्क अगर पहला लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया है दो जेड डिस्क के बीच में सार्कोमेयर होता है उसको मतलब हम कहते हैं और यही फंक्शनल यूनिट होती है मतलब यही ऐसे कॉन्टेक्ट करके पास में आ जाएगी ये बीच का एच जोन होता है ठीक है ना अब समझते हैं इसको और डिटेल में देखो जिन बच्चों के समझ में नहीं आ रहा पहला लेक्चर अच्छे से पढ़ें जब मेरा हाथ रिलैक्स्ड है तो ध्यान से देखो मैंने एक सार्कोमेयर यूनिट को उठा लिया है बीच की जरा डिस्टेंस देखो ये काफी ज्यादा डिस्टेंस है ठीक है ना और ये मेरे पास थिक फिलामेंट है ये मेरे पास थिन फिलामेंट है ये बीच की एम लाइन है ठीक है अब पार्शियली कॉन्ट्रेक्टेड मैंने हाथ ऐसे था हल्का सा ऐसे किया तो आप गौर से देख सकते हैं ये दूरी और ये दूर, अब पास आ गया हल्का सा और फिर मैंने क्या किया मैक्सिमली कॉन्ट्रेक्टेड यानी कि यहां पे मैंने हाथ पूरा ऐसा कर दिया जो हाथ मेरा ऐसा था हाथ पूरा मैंने ऐसे कर दिया ठीक है ना तो हुआ क्या ये देखो ये गैप पूरा खत्म हो गया और थिन फिलामेंट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक्सपेंड करता हूं तो देख सकते हैं कि थिन फिलामेंट ओवरलैप कर गए तो यहां पर क्या लग रहा है कुछ ऐसा फील आ रहा है कि एक के ऊपर एक स्लाइड कर गए स्लाइड खिसक गए एक के ऊपर एक रियलिटी में मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं सिकोड़ते नहीं है रियलिटी में कॉन्ट्रेक्शन मतलब होता है सिकोड़ना रियलटी में ये क्या करते हैं? एक के ऊपर एक स्लाइड कर, तो कर लिया इतनी जगह केवल तो हमको लगता है कि मसल्स छोटी हो गई हैं यानी कि सुकड़ गई हैं ठीक है तो यही है हमारे पास एक के ऊपर एक स्लाइड करना इसी को हम लोग इसी को हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन और क्योंकि एक के ऊपर एक स्लाइड कर गई है तो इसी को हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से पढ़ेंगे अभी आगे ठीक है तो हम देख पा रहे हैं कि जो थिन फिलामेंट है थिन फिर कह रहा हूं थिन फिलामेंट स्लाइड्स कर गए हैं थिन फिलामेंट्स स्लाइड्स लेकिन जो थिक फिलामेंट है वो वैसा का वैसा ही है थिक फिलामेंट ने क्या किया है देखो ऐसे ऐसे ये निकले हुए थे क्या इसके ये है ना मायोसिन मायोसिन आकर के ऐसे चिपके फिर से देखो मायोसिन आकर के ऐसे चिपके और मायोसिन ने थिन फिलामेंट ऐसे मान लो कई सारे मायूसिन ये तो मायोसिन ने ऐसे करके इसको धक्का लगाना स्टार्ट किया तो ये धक्का लगाना स्टार्ट किया तो ये ऐसे ऐसे पास आते गए ये पास आते गए और जो ऊपर के मायोसिन धक्का लगाते जा रहे हैं धक्का लगाते और चढ़ गए जितना मैक्सिमम आ सकते है उतना आ गए क्लियर है यही है फिजियोलॉजी ठीक है और इसको अभी हम लोग थ्योरटिकली समझते हैं कि आखिरकार थ्योरी क्या कहना चाह रही है ठीक है तो जब भी आपके पास स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म या थ्योरी मतलब मसल कॉन्ट्रेक्शन का जब भी फिजियोलॉजी आएगी क्या आएगी फिजियोलॉजी तो आप उसमें यही लिखोगे क्या लिखोगे फिजियोलॉजी में स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म क्या लिखेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म ओके चलो तो पूरी प्रोसेस समझते हैं हम लोग तो क्या कह रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स बिकॉज मायोसिनड अटैच टू द थिन फिलाेंट ये ऊपर के थिन फिलाेंट थे उस पर जाकर मायोसिन चिपक गया ठीक है एट बोथ एंड ऑफ सार्कोमेयर ये सार्कोमेयर के दोनों एंड है यहां पर और यहां पर दोनों तरफ जाकर के चिपक गया एंड पुलिंग द थिन फिलाेंट टुवर्ड द एम लाइन और बीच की जो तो एमलाइन थी बीच की एमलाइन थी उसकी तरफ जो पतले पतले फिलेंट थे जाकर चिपका और उसको ऐसे खींचा ये लाइन मतलब हो गया इसका ओके एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप द थिन थिन जो है वो अंदर की तरफ खिसक गए पूरी कहानी बता चुका हूं लिखा हुआ समझा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए स्लाइड्स इनवर्ड एंड मीट एट देंटर ऑफ सार्कोमेयर और जो सार्कोमेर का सेंटर होता है वहां पर ये जाके मिल जाते हैं दे मे इवन ठीक है मिल जाते हैं और यहां तक कि दे मूव सो फार इनवर्ड ऐसे मिलने की बजाय वो ऐसे अंदर तक भी जा सकते हैं मूव सो फार इनवर्ट दैट देयर एंड ओवरलैप ये इतना अंदर तक जा सकते हैं ओवरलैप कर सकते हैं कि इनके जो एंड है ये ओवरलैप कर जाएंगे थिन फिलामेंट की बात हो रही है अब थिन और थिक में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बेटा थोड़ा सा दिमाग आपको क्या करना पड़ेगा पुराना जो लेक्चर है उसे अच्छे से समझना पड़ेगा एज थिन फिलामेंट एच थि जैसे ही थिन फिलाेंट स्लाइड कर जाता है द आई बैंड एंड एच जोन नैरो हम देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास ये क्या था एच जोन है और जो ये आई बैंड है ठीक है क्योंकि एच भी खत्म हो जाता है आई बैंड भी लगभग लगभग थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि खिसक गए एक दूसरे के ऊपर पतले हो जाते हैं इवेंचुअली और यहां तक कि हो हो जाते है, हो जाते हैं हैं खत्म ऑल द मसल इज मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड जब मसल मैक्सिमली कॉन्ट्रेक्टेड है तो ध्यान रखेंगे एक एच जोन और एक आई बैंड ये डिसअपियर हो जाते हैं समझ में नहीं आते क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहां पे टोटली क्या दिख रहा है थिक बैंड दिख रहा है आई बैंड दिख ही नहीं रहा अगली कहानी में यहां पर थिक बैंड होगा है ना तो आई बैंड दिखते ही नहीं है और जो एच जोन था वो भी गायब हो गया ये जो एच जोन था ये भी गायब हो हो गया गया बात समझ में आ रही है क्लियर मैक्सिमली कॉन्ट्रेक्टेड में दो चीजें जो डिस हो जाती हैं वो कौन कौन सी थी अपने पास एच जोन और आई बैंड बैंडवर हालांकि द दिथ ऑफ ए बैंड एंड द इंडिविजुअल लेंथ ऑफ द थिक एंड थिन फिलामेंट जो ए बैंड की वेड़ है चौड़ाई है ठीक है और इंडिविजुअल लेंथ और एक्चुअल लेंथ की बात करें थिक और थिन फिलामेंट्स की रिमेन एंड चेंज ठीक है तो हमको असल में पता है ये जो लेंथ है क्या इनमें कोई चेंज आया है इसमें कोई चेंज नहीं आया वो तो स्लाइड कर गई है बात समझ में आ गई ठीक अच्छा जिनको ए बैंड आई बैंड ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है वो लोग मैंने पहले भी कहा था माया फाइब्रिल अच्छे से पढ़ लेना सिंस द थिन फिलेंट ऑन ईच साइड ऑफ द सार्कोमेर आर अटैच टू जेड डिस्क ठीक है जो थिन फिलाेंट होती है वो जेड डिस्क से ये जेड डिस्क इससे जुड़ी हुई है तो स्ट्रक्चर दिखाते जा रहा हूँ अगर याद नहीं है जैसे कि चीजें याद आती रहे ठीक क्योंकि ये सार्कोमेयर के जेड से जुड़ी होती है, है इसीलिए ऐसे दो जगह थे ऐसे पास आ जाएंगे एंड द सार्कोमेयर शॉर्टन जो सार्कोमेयर है वो छोटा हो जाता है तो हम देख पा रहे हैं यहां पे ये मेरा सार्कोमेयर की लेंथ इतनी है और मेरी सार्कोमेयर की लेंथ इतनी गई क्लियर ओके शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेर कॉजेस शॉर्टनिंग ऑफ द होल मसल सार्कोमेयर छोटा होता है सारे सार्कोमेयर छोटे होते हैं पूरी मसल की लेंथ छोटी हो जाती है विच इन टर्न लीड्स टू शॉर्टनिंग ऑफ द एंटायर मसल जिसकी वजह से पूरी मसल क्या होती है शॉर्ट हो जाती है उम्मीद है ये बात आपको यहां पे समझ में आ गई होगी बट 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 कहानी यहां पर पूरी हो गई है बट पांच नंबर के हिसाब से ये पर्याप्त नहीं है यहां पर आपने प्रोसेस बता दी है कि कौन से बैंड के साथ क्या घटना घट गट रही है एक्चुअल प्रोसेस अभी नहीं हुई है हमारे पास ठीक है कि क्या होना चाहिए था तो जो एक्चुअल प्रोसेस है वो यहां से स्टार्ट होती है कि हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस क्या कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस बात समझ में आ रही है ये बायोकेमिकल प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप ये लिख के आओगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है आओ समझे कैसे कैसे समझे देखो द कॉन्ट्रेक्शन साइकिल जो कहानी हम ऊपर पढ़ी वही है एट द ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ही कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है द रेटिकुलम मैंने बताया था सेल अगर फाइबर अच्छे से याद कर लिए होंगे तो उनके अंदर सार्को प्लाजमिकुल रेटिकुलम ही होता है उसके अंदर कैल्शियम भरा होते हैं वो रिलीज होते हैं इन टू दार्को प्लाज कहानी क्लियर है के लिए जिनको ये टर्म समझने में दिक्कत आ रही है बेटा प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखें ठीक है इन सार्कोप्लाज जब में आता है कैल्शियम आयन बाइंड टू ट्रोपोनिन अभी अभी मैंने बताया था कि ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाता है तो ट्रोपोनिन का शेप बदल जाता है याद आया याद आया ट्रोपोनिन याद आया मैं इस वाले पेज को नीचे ले आता हूं ताकि बार बार चेंज ना करना पड़े है ना डायग्राम भी दिखाता चलता हूं मैं ठीक है तो ये देखो तो ट्रोपोनिन था इससे कैल्शियम चिपकेगा सपोज यहां पर आके कैल्शियम चिपक गया जैसे कैल्शियम चिपका तो इसका शेप सब गोल हो गया गोल होती इसने ये जगह छोड़ दी यहां पर बात क्लियर होगी अब क्लियर है ओके okay. ट्रोपोनिन देन, देन मूव्स ट्रोपोमाइसिन अवे फिर क्या होगा जो ट्रोपोनिन है वो ट्रोपोमाइसिन को अलग कर देगा फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन एक्टिन की uh, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है इसको भी हटा देगा अभी आगे आते हैं वंस द बाइंडिंग आर फ्री जैसे ही बाइंडिंग साइट फ्री हो जाती है द कॉन्ट्रेक्शन साइकिल बिगिन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल अब स्टार्ट होती है हमारी ठीक है ना कॉन्ट्रेक्शन साइकिल मतलब क्या होता है रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स डेट कॉजेज द टू स्लाइड लगातार जो सिक्वेंस मतलब

ठीक है ना मायोसिन मायोसिन है एटीपी साइट बाइंडिंग साइट इन मायोसिन हेड डेट फंक्शन एस एटीपीएस बता चुका हूं जो कि ए टीपीएस एनजाइम की तरह काम करती है एटीपी को तोड़ने का काम करती है एन एंजाइम हाइड्रोलाइज एटीपी एडीपी यानी यानी कि कि डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट ग्रुप आईपी इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट और इसमें तोड़ देता है एंड जनरेट एनर्जी ये मैंने लिखाया था तुम लोगों को याद होगा एटीपी तोड़ के एडीपी डीपी एडनोसाइन डायफोस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी क्या रिलीज हो गई एनर्जी ठीक दिस एनर्जी यूज ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन साइकिल यही एनर्जी कॉन्ट्रेक्शन साइकिल के दौरान इस्तेमाल होती है अब अब द मायोसिन मायोसिन जो myosin के पास एनर्जी आ गई है अब, है ना बिकम परपेंडिकुलर रिलेटिव टू द थिक एंड थिन फिलामेंट अभी तक ये क्या थे नॉर्मली ऐसे पड़े रहते हैं देखो अभी तुम लोगों को बताऊं मैं देखो कुछ ऐसे दिखा रखे हैं कुछ ऐसे नॉर्मल लेटे हुए दिखा रखे हैं तो जैसी एनर्जी आती है ना ये बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाएंगे 90 डिग्री पे अगर ऐसे ऐसे हैं तो ये ऐसे ऐसे हो जाते हैं नाइन्टी डिग्री पे कैसे दिखाता हूं देखो यहां पर एक डायग्राम होना चाहिए आप लोगों के लिए डाला ये देखो ठीक है पहला नॉर्मल ऐसा ये जैसे ही एटीपी जुड़ता है ये ऐसे से ऐसा हो गया ऐसे से ऐसा 90 डिग्री तो इसके रेस्पेक्ट में भी 90 डिग्री पे आ गया है और इसके रेस्पेक्ट में भी 90 डिग्री पे आ गया है तो थिन और थिक फिलामेंट दोनों के रेस्पेक्ट में ये जो ऐसे था ये कैसा हो गया 90 डिग्री पे हो गया बात समझ में आ रही है क्लियर ओके okay. तो मायोसिन हेड जो मायोसिन हेड हेड होता है की बात हो रही है केवल किसकी बात हो रही है हेड की बात ये 90 डिग्री पे हो जाता है हो है रिलेटिव टू थिक एंड थिन फिलामेंट उन दोनों के रेस्पेक्ट में एंड हैज द प्रॉपर ऑरियंटेशन टू बाइंड टू एन एक्टिंग मॉलिक्यूल और अपना एक प्रॉपर ऑरियंटेशन प्रॉपर स्पेस कर लेता है जिससे कि ये इसके साथ चिपक सके ठीक है नोटिस डेट यहां पर एक बात आपको नोटिस रखनी है द प्रोडक्ट ऑफ ए टीपीडोलिस जो ए टीपीसिस के प्रोडक्ट थे एडीपी एंड फॉस्फेट ग्रुप आर स्टिल अटैच टू द मायोसिन की यहां पर जो एडीपी और फॉस्फेट uh, जो निकले थे ये अभी भी चिपके हुए यहां पर एडीपी और इन ये इससे चिपके हुए अभी भी, अभी हटे नहीं है यहां पर फिर दूसरा स्टेप में क्या होगा ये एनर्जाइज हो गया है अब यह चिपकेगा जाकर के द एनर्जाइज मायोसाइन हैड जो एनर्जी मिल चुकी है एनर्जाइज माओसिन माइंडिंग साइड यह जाकर के उससे चिपक जाएगा ये जाके देखो चिपक गया करके ठीक ठीक है आ, ठीक है ऑन एक्टिन एंड रिलीजिज द प्रीवियसली हाइड्रोलाइज फॉस्फेट ग्रुप और अब ये यहां पर जो फॉस्फेट ग्रुप है देखो यहां पे लिखा भी हुआ है देखो एडीपी और ये चिपके हुए हैं अभी यहां पर सेकंड इस स्टेप में ये

ओनली वन हैड बाइंड टाइम एक ही सर एक टाइम पर जुड़ेगा यह भी आपका एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है कितने दोनों एक साथ जुड़ते हैं कि एक जुड़ता है ना अब जुड़ गया है अब पावर स्ट्रोक असली खेल अब है मसलों को कॉन्टेक्ट करवाना ना अब पावर स्ट्रोक आएगा आफ्टर ए क्रॉस ब्रिज फॉर्म जब यह क्रॉस ब्रिज बन गया है द माओसिन इट्स पोजिशन फ्रॉम नाइनटी डिग्री एंगल टू फोर्टी डिग्री ये देखो ऐसे था ऐसे हुआ चिपका हुआ है अब पावर स्ट्रोक अब ये ऐसे आएगा तो जब ये ऐसे आएगा तो इसको खींचेगा इधर पे तो इधर से भी खींचेगा इधर वाला इधर को खींचेगा इधर वाला इधर को खींचेगा तो ये पास में आएंगे कौन सार्को उम्मीद है बात अब समझ में आ गई होगी तो अब ये झुका तो ये सारी प्रोसेस मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई होगी नॉर्मल पड़ा हुआ रिलैक्स जब हम ऐसे रिलैक्स है सपोज कोई काम करना खटाक से आया जुड़ा खींच दिया तो कॉन्ट्रेक्शन हो गया ये ठीक है ना तो फोर्टी फाइव डिग्री एंगल रिलेटेड टू द थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट तो देखो यहां से भी ये कितना बनाएगा 45 एंगल बनाएगा और ये एंगल भी कितना रहेगा 45 फाइव रहे दोनों के प्रति 45 एंगल बन जाता है और इसको खींच देता है एरो बना हुआ इस तरफ और जैसे इसको खींचेगा जो मेरा डाइफॉस्फेट है ये भी क्या होता है अलग हो जाता है ठीक है एज द मायोसिन हेड चेंजेस टू इट्स न्यू पोजिशन जैसी वो नई पोजिशन पर जाता है इट पुल्स द थिन फिलामेंट ये थिन फिलामेंट को पुल करता है खींचता है पास्ट द थिक फिलाेंट थिक फिल्मेंट के ऊपर ठीक है टूवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर जो तो सार्कोमेयर का सेंटर था उम्मीद है इमेजिन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ठीक है जनरेटिंग टेंशन इस प्रकार टेंशन एक फोर्स जनरेट होता है इन द प्रोसेस दिस इवेंट इज नोन एज पावर स्ट्रोक तो ये वन मास के लिए डिफाइन करने के लिए आ सकता है पावर स्ट्रोक क्या होता है पावर स्ट्रोक कुछ नहीं है जब थिक फिलामेंट मायोसिन का हेड उससे पुल करता है थिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट के ऊपर और सार्कोमेयर के सेंटर पे उसे खींचता है तो उसको हम लोग पावर स्ट्रोक कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पावर स्ट्रोक इज डराइड फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द मायोसिन हेड तो एनर्जी कहां से आती है मायोसिन हेड ने शुरुआत में ही ए टीपी को तोड़ करके एनर्जी अपने अंदर रख ली थी ठीक है वंस द पावर स्ट्रोक होकर एक बार पावर स्ट्रोक खत्म हो जाएगा एडीपी इज रिलीज एडीपी रिलीज हो जाता है फ्रॉम द मायोसिन मायोसिन से एडीपी हट जाता है अपने आप पावर स्ट्रोक हो गया अब डिटेचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिंग ठीक है

फिर चिपक जाएगा इससे ठीक है जैसे दूसरा एटीपी जुड़ता है वैसे उसको छोड़ देगा और ये 90 डिग्री पे आ जाता है एज एटीपी बाइंड टू द द द द एटीपी बाइंडिंग साइट ऑन मायोसिन मायोसिन हेड हेड फ्रॉम एक्टिन तो जैसे दूसरा एटीपी आगे जुड़ेगा इसको छोड़ देगा फिर सीधा आगे फिर जुड़ेगा पीछे की तरफ जुड़ेगा फिर खींचेगा फिर छोड़ेगा फिर पीछे की तरफ फिर खींचेगा इस तरह से खींचता रहता है ठीक है ये कहानी यादव समझ में आ गई फिर अभी भी एक सवाल रह रहा होगा कि प्रोसेस बंद कैसे होगी वो अभी मैं कि ये प्रोसेस बंद कैसे होती है फिलहाल तो ये चार स्टेप ये था हमारी फिजियोलॉजी का सारा कॉन्सेप्ट और ये पॉइंट अभी खत्म नहीं हुए ये पॉइंट भी अभी आगे आपको देने हैं कौन कौन से देने है? जरूरी जो बताता हूं मैं ठीक है ये चार पॉइंट हो गए तो कॉन्डक्शन साइकिल रिपीट एज द मायोसिन एटीपीएस द न्यूली बाउंड मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक नए नए एटीपी आगे जुड़ते रहेंगे और एटीपीएस जो मायोसिन के हेड पर जगह थी वहां पर आकर के एटीपीएस एटीपी को तोड़ता रहेगा एनर्जी जनरेट होती रहेगी तब तक ये साइकिल चलती रहेगी ठीक है ना एंड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि इज अवेलेबल अवेलेबल हो एंड मोस्ट दिस इज डिस एमसीक्यू एंड द कैल्सियम लेवल नियर देन थि फिलाेंट इज सफिशियंटली हाई क्योंकि जब तक कैल्शियम लेवल हाई रहेगा तभी तक ट्रोपोनिन अलग रहेगा कैल्शियम खत्म ट्रोपोनिन वापस आकर चिपक जाएगा मास्क छुपा लेगा वापस मायोसिन बाइंडिंग साइट को अब वो चिपकने की जगह नहीं रहेगी तो रुक जाएगी प्रोसेस ठीक है कीप रोटेटिंग बैक एंड रोटेट कर रहा है ऐसे आया है, ऐसे फिर ऐसे आया है, ऐसे फिर ऐसे आया है, ऐसे ठीक है ना जैसे ऐसा समझ लो यहां से ये ऐसे था खींचा पीछे आया खींचा पीछे आया खींचा तो ये बार बार आगे पीछे होकर उसे खींचता रहेगा ठीक है ओके क्रॉस ब्रिज कीप रोटेटिंग बैक एंड फोर्थ विद ईच पावर स्ट्रोक हर एक पावर स्ट्रोक के साथ वो उसको आगे पीछे खींचता रहेगा पुलिंग द थिन फिलामेंट टुवर्ड्स द एम लाइन पुलिंग द थिन फिलामेंट थिन फिलामेंट को खींचेगा एम लाइन की तरफ ईच ऑफ द 600 क्रॉस ब्रिजेस 300 मॉलिक्यूल थे जब बनेंगे तो दुगने हो जाएंगे ठीक है ना छह सौ हो गए इन वन थिक फिलामेंट अटैचेस एंड डिटैचेस अबाउट फाइव टाइम्स पर सेकेंड ठीक है

तीन सौ बचे हुए थे वो जुड़ेंगे वो खींचेंगे फिर दोबारा में तीन सौ मतलब कुछ जुड़ते हैं कुछ हटते हैं कुछ जुड़ते हैं कुछ हटते हैं है, एक साथ सारे नहीं जुड़ेंगे एक साथ सारे नहीं हटेंगे इंक्रीज okay? in होगा तो स्टार्ट हो जाएगा मसल कॉन्ट्रेक्शन कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा तो खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रेक्शन व्हेन अ मसल फाइबर इज रिलैक्स्ड जब मसल फाइबर रिलैक्स होता है द कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन इट वेरी लो कैल्शियम लेवल बहुत कम होता है sarcoplasm में जहां पर एक्टिन और बायोसिन मौजूद है ठीक है ओनली अबाउट जीरो पॉइंट वन माइक्रोमोल पर लीटर हाउ एवर हालांकि ह्यूज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज स्टोर्ड इन साइड द सार्कोप्लाजमिक रेटिकुलम कैल्शियम में नहीं है लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर खूब सारा भरा हुआ है जरूरत पड़ने पर बाहर निकलता है

सिग्नल चला जाता है फिर से कहां चले जाएंगे? जाएंगे फिर से हमारा कॉन्ट्रेक्शन बंद हो जाएगा क्लियर मेरे ख्याल से उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी यह डिटेचमेंट और फाइनली कब बंद होगा समझ में आ गई होगी ओके दिस इज ऑल अबाउट द फिजोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सोचने में बहुत टेड़ा लगता है मेरे ख्याल से उम्मीद है ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इस टॉपिक से ठीक है ना तो लास्ट का जो था मेरा पार्ट फिजियोलॉजी जिसमें पूरा प्रोसेस था वो बेटा जरूर करना है मायोसिन एक्टिन के स्ट्रक्चर को जरूर पढ़ना है इंपॉर्टेंट है ठीक है ना बात बाकी आप सब लोगों को पता ही है अगर कोई बच्चा नया जुड़ा हुआ है तो बता दूं पीडीएफ का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है मेरा नंबर है उसका भी कोई प्रॉब्लम आता है ये अपना ऐप है जहां पर लेक्चर नोट्स के अलावा जो कि आपको यूट्यूब मिल जाते हैं उसके अलावा आपको क्वेश्चंस लाइव क्लास एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती है।, है ना बच्चों को ढेर सारा प्यार मिल रहा है और ऐप को बाद बाकी आप ऐप से जुड़ सकते हैं ग्यारह मात्र फीस है इसकी और पढ़ाई चाहे यूट्यूब से करें चाहे हमसे जुड़ के ऐप से करें रिविजन करते रहें पढ़ाई करते रहें ओके ऑल द बेस्ट